हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बड़ा ही हेल्दी और टेस्टी है। इसे हम कभी भी मीठा खाने का मन हो तो डिजर्ट के रूप में बना सकते हैं, या कोई भी पार्टी हो तभी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 लीटर दूध, जिसे हमने गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। उसमें से हम 4 बड़ा चम्मच दूध निकाल लिए हैं, जिसमें हम कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। 1 बड़ा एप्पल को हमने काट लिया है, 1 अनार को हमने निकाल लिया है, ग्रेप्स, बनाना को हमने काट लिया है, ये रास्पबेरी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर हमने 3/4 कटोरी लिया है, 1/2 कटोरी हम शक्कर लिए हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हम दूध उबलने के लिए रख दिए हैं और हम इसे चलाते हुए 5 मिनट तक उबलने देंगे। आते हुए 5 मिनट तक उबाल लिया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पे हम 1/2 कटोरी शक्कर डाल रहे हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा शक्कर की मात्रा बढ़ा लीजिए। और हम शक्कर को चलाते हुए अच्छे से दूध में घुल जाने देंगे। ये हमारा फुल क्रीम दूध है, काफी गाढ़ा हो चुका है, तो हमें अब ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जस्ट शक्कर को घुलने तक वेट करना है। शक्कर डालने के बाद हमने दूध को 2 मिनट तक और उबाल लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। तो हम दूध के कटोरी में 1-1 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे और उसे ऐसे मिला लेंगे। कस्टर्ड में बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए और कभी भी हम ये घोल ठंडे दूध में बनाएंगे तभी इसमें गुठलियां नहीं रहती है, अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो ऐसे हम चलाते हुए अच्छे से इसका एक घोल बना लेंगे। ध्यान से देखिए, अब हम इसे लेके गैस की तरफ चलेंगे। तो दूध में हम थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये पिंदी में जाके लग जाता है। थोड़ा सा हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबाल के और गाढ़ा कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो ये पेंदी में बहुत जल्दी जम जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो बस हमें ऐसी ही गाढ़ी कस्टर्ड मिल्क चाहिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए ठंडा करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर मलाई की परत जैसे जम जाती है। तो या तो आप इसे पंखा के नीचे ठंडा कीजिए या ऐसे ही, लेकिन चलाते हुए इसे नॉर्मल टेम्परेचर तक कर लीजिए। मिल्क कस्टर्ड को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एप्पल का पीसेस डालेंगे, ग्रेप्स, बनाना, दाड़म। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद का फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे मैंगो हो गया, पपाया, पाइन एप्पल, जो भी पसंद का फ्रूट्स है उसे ले सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रूट
कस्टर्ड बनकर तैयार है। इसे हम अब 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। 2 घंटे बाद हम कस्टर्ड को फ्रिज से निकाल लिए हैं। ये ठंडा कस्टर्ड रेडी है। इसे आप खाने के बाद डिजर्ट में ले सकते हैं। ये बड़ा ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।